Radhe Mere Swamini Main Radhe Ko Daas Janam Janam Mohe Dijiyo Radha tum bad bhagini kaun tapasya ki tino lok ke nath hai so tero aadi jaya radha madhava कुंज बिहारी जय राधा माधव 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 कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरी वर धारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधव माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन रज जन रंजन यशोदानंदन रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी
वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहार जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 गाइए प्रेम से गाइए गोपाल नंद लाल 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 सब लोग गाइए भाव से कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 जोर से गाइए गोपाल नंद लाल 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 गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल
Govinda Govinda Gopal Nandana Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Prem se Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Prem se Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Prem se gaiye Bhagwan ka pavitra naam Hare Hare Jor se Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare नाम महा धन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमाने नाम महा धन है अपनो नहीं दूसरी पतियोर कमानी
छोड़ यटारी यटार जग की हमको कुटिया ब्रज माही बनानी हमको कुटिया ब्रज माही बनानी टोक मिले रसिकों की सदा और पीवन को यमुना जल पानी टोक मिले रसिकों की सदा और पीवन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद रघुपति राधे जारा पतित पावन सीताराम रघुपति राधे पतित पावन सीताराम रघुपति राधे जारा पतित पावन सीताराम रघुपति राधे पतित पावन राजा राम राजा राम पतित पावन सीता राम राजा राम आइए प्रेम से गाइए पतित पावन सीता राम राजा राम राजा राम पतित पावन सीता राम राजा राम राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राधे राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम गौरनिताय जय गौरनिताय 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 प्रभुपद शिल प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
गौर हरि बोल नीता गौर हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय हिताय गौर प्रेमानंदे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रज बधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महा श्रीचैतन्य महाप्रभो मत्मिदं तत्रादरो नः पर श्री चैतन्य महाप्रभु मत्मिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर धरुणबिम बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वा च मिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलश तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके जुगपद कमल मनावूं तासु कृपा नीर मलमति पावूं करारविंदे नपदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं
मनसा स्मरा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जी हवे पिबत स्वामृत में तदेव गोविंद दामो दर माधवे जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। गत सत्र में श्री वेदव्यास मुनि ने भागवत महात्म्य के विषय में कुछ सुनाया। श्रीमद् भागवत की अत्यंत महिमा है और इनके अनेकों इतिहास हम सब ने श्रवण किए। श्री वेदव्यास मुनि भागवत महिमा का और एक इतिहास सुनाते हैं। एक समय की बात, ब्रह्मा जी के प्रथम चार पुत्र सनक सनातन सनंदन और सनत या चतुष कुमार सत्संग करने के लिए बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे थे। ब्रह्मा जी के ये प्रथम चार पुत्र जो नित्य मुक्त हैं, जो परम शुद्ध है, जन्म से ही जिनके भगवान के प्रति अनुराग है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की गंध से लोभित ये चतुष कुमार बाल्य अवस्था में रहते हैं। इनको कभी बुढ़ापा नहीं आता है। ऐसे शुद्ध मुक्त जीव भी सत्संग ढूंढ रहे थे, कहीं सत्संग हो जाए तो बैठकर हमारे जीवन का कल्याण करे। भक्तों, ये सत्संग बहुत बड़ी चीज है। इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है तो वह है सत्संग। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता है। बिना सत्संग से ऐसी बुद्धि नहीं मिल सकती जिसे हम भगवान की प्राप्ति कर सके। सत्संग करना चाहिए। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है भगवान की प्राप्ति। उस भगवान की प्राप्ति करने के लिए सबसे प्रथम सीढ़ी यदि कोई है, सबसे प्रथम कदम यदि कोई है तो वो है सत्संग। और इसीलिए तो भगवान श्री रामचंद्र ने देवी शबरी को उपदेश देते हुए कहा, प्रथम भक्ति सत्संग कर संगा
प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। हे शबरी, वैसे तो शास्त्र में नवदा भक्ति का वर्णन हुआ है, परंतु नव भक्ति में भी सबसे पहली भक्ति है सत्संग करना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, क्योंकि भक्तों जब तक सत्संग नहीं होता है, संतों का संग नहीं होता है, तब तक न तो श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए संतों का संग अत्यंत आवश्यक है। गौड़ीय वैष्णव के आचार्य श्रीपाद रघु गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, आदो श्रद्धा तत साधु संग, अत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, उस भगवत प्रेम तक पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम है श्रद्धा के द्वारा सत्संग करना। सत्संग करना चाहिए, और भक्तों यही सत्संग करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रथम चार पुत्र बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते उन्होंने नारद जी को देखा। वेदव्यास मुनि लिखते हैं, एक दाही विशालायम चत्वार पुरुषो मला सत्संगार्थम समायाता तदृश तत्र नारदम। सत्संग करने के लिए बद्रीनाथ धाम में जब ये विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने नारद जी का दर्शन किया। ददृशु तत्र नारदम, नारद जी को देखा। नारद जी भगवान के अवतार हैं। आचार्यों ने नारद जी को भगवान का मनोअवतार कहा है। भगवान के मन में जो बात चल रही है वह नारद जी जान जाते हैं और भगवान की इच्छा को पूर्ण करते हैं। तैसे नारद मुनि को देखा, परंतु उस समय नारद मुनि बड़ी चिंता में थे, टेंशन में थे। भक्तों, कौन व्यक्ति कितना चिंता में होता है ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी के चेहरे को देखकर ही पता चल जाता है इसके अंदर सुख चल रहा है या दुख चल रहा है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, ये मुख ही हमारे हृदय का आईना है, मुख के द्वारा पता चल जाता है। नारद जी बड़े चिंता में थे। नारद जी को चिंता में देखकर ब्रह्मा जी के ये चार पुत्र सनकादिकों ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतह चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कोत्र कुतश्चा गमनम तव। हे ब्रह्मन, हे नारद जी, नारद जी आपकी चिंता का कारण क्या है? आप तो साक्षात ब्रह्म ऋषि हो, आप देवताओं के भी ऋषि हो, आप भगवान के परम भक्त हो। नारद जी, आज आप चिंता में हो और आप इतने चिंता में दिखाई दे रहे हो जैसे कोई लोभी धन में बहुत आसक्त होता है और धन में आसक्त लोभी का धन कोई चुरा लेकर जाए,
उस लोभी का धन कोई चुरा ले और वह लोभी जितना दुखी होता है, चिंतित होता है, उतने ही चिंतित आप दिखाई दे रहे हो। नारद मुनि, आपकी चिंता का कारण क्या है? तब नारद जी अपनी चिंता का कारण बताते हैं। मैंने भारत भूमि के विषय में सुना कि इस भारत में भगवान के अनेक अवतार हुए, ये सोचकर मैं इस भारत भूमि में आया, लेकिन जैसे ही इस पृथ्वी पर आया मेरी ये हालत हो गई। नारद जैसे नारद भी जब इस पृथ्वी पर आते हैं तब चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो भक्तों हमारा क्या कहना। नारद जी इस पृथ्वी पर आए और इस पृथ्वी पर अनेकों जगह पर विचरण किए और विचरण करते करते भगवान के धाम वृंदावन में गए। उस समय उस वृंदावन में नारद जी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। नारद जी अपनी व्यथा सुना रहे हैं, बोले कन्या वहां पर बैठी थी, क्रंदन कर रही थी, रो रही थी, और उसके बगल में दो बूढ़े मूर्छित होकर पड़े थे और रोते रोते उस कन्या ने नारद जी को बुलाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। वह युवती रोते हुए नारद जी को बुलाने लगी और कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। हे साधु, हे नारद मुनि, आप कुछ क्षण के लिए यहां पर आइए, आइए और मेरी चिंता को, मेरे दुख को दूर कीजिए। नारद मुनि ने कहा, मैं तुम्हारी चिंता को कैसे दूर कर सकता हूं? तब उस कन्या ने कहा, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। नारद मुनि, मैं आपके विषय में जानती हूं, इस संसार में दुखी जीव को एक बार भी आपका दर्शन हो जाता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, लेकिन मेरा दुख थोड़ा बड़ा है। मैं साक्षात भक्ति देवी हूं, मैं भक्ति महारानी हूं, और ये दोनों बूढ़े मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्तों, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। बोले, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी, भक्ति देवी अपनी व्यथा सुना रही है, भक्ति देवी नारद मुनि को अपना दुख सुना रही है। नारद जी, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, द्रविड़े अहम उत्पन्ना वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले, मैं साक्षात भक्ति देवी हूं और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। हमारा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और द्रविड़ देश से हम कर्नाटक की ओर गए। जब कर्नाटक की ओर गए तो वहां पर लोगों ने हमें स्वीकार किया, लोग भक्ति करने लगे और भक्ति को स्वीकार करने के कारण हमारी वृद्धि हुई, हमारा हृदय प्रफुल्लित हुआ। द्रविड़ में जन्म हुआ, कर्नाटक में वृद्धि हुई और कर्नाटक से जब हम महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ लोगों ने त्याग दिया। संत तुकाराम, नामदेव, ज्ञानदेव, ऐसे लोगों ने स्वीकार किया, अन्य लोगों ने त्याग दिया। और महाराष्ट्र से जब गुजरात की ओर गए तो वहां पर किसी ने हमें स्वीकार नहीं किया। संसार में लोग भक्ति नहीं कर रहे थे, लोगों के जीवन में तपस्या नहीं रही थी,
लोगों के जीवन में सत्यता नहीं रही, दया नहीं रही, दान देने की भावना नहीं रही। घर पर बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, परंतु ऐसा कलयुग आ गया जो कल सवेरे बहू आई है वही घर की रानी बनकर बैठी है। बुजुर्गों का अपमान किया जाता है और थोड़े के धन के लोगों में लोग अपनी कन्या को बेच देते हैं, दहेज मांगते हैं। अनेकों प्रकार का आतंक इस कलयुग में हो रहा है और कलयुग की इस विषम परिस्थिति को देखकर, कलयुग के इस विषम प्रभाव से मैं बूढ़ी हो गई और मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बूढ़े हो गए। अंत में विचरण करते करते मैं वृंदावन में आई। वृंदावन के प्रभाव से मैं तो जवान हो गई, परंतु मेरे ये ज्ञान और वैराग्य ये दोनों पुत्र मूर्छित हो गए। नारद मुनि, आप मेरे इन दोनों पुत्रों को जीवित कीजिए, इनको जीवन दान दीजिए, क्योंकि मैं आपके प्रभाव को जानती हूं। आपने प्रहलाद का उद्धार किया, ध्रुव का उद्धार किया, इतिहास में अनेकों लोगों का उद्धार कीजिए, आपके चरणों में निवेदन करती हूँ। आपने जब इतने सारे लोगों का उद्धार किया तो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य का उद्धार नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। यह सुनकर नारद मुनि ज्ञान वैराग्य का उद्धार करने के लिए उनके कान में वेदों के मंत्र का उच्चारण करने लगे। घंटों भर तक वेदों के मंत्रों का उच्चारण किए, लेकिन वे लोग मूर्छा से बाहर नहीं निकले। उस समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, ज्ञान और वैराग्य को जीवित करना यदि चाहते हो तो सत्पुरुषों के द्वारा सत्कर्म कराओ, अन्यथा ये जीवित नहीं हो सकते हैं। इतना कह के आकाशवाणी समाप्त हुई और नारद मुनि के मन में यह प्रश्न खड़ा हुआ, ये सत्कर्म क्या है? सत्कर्म क्या है? इस बात का उत्तर प्राप्त करने के लिए नारद जी बद्रीनाथ धाम में पहुंच गए और ढूंढ रहे थे। और उसी समय सनकादिक ब्रह्मा जी के प्रथम चार पुत्र नारद मुनि को मिले और नारद जी ने कहा कि मेरी चिंता का यही कारण है, मुझे ज्ञान वैराग्य को मूर्छा से बाहर निकालना है, जीवित करना है और सत्कर्म के विषय में जानना है। हे सनकादिक जी, आप ही मुझे बताइए कि ये सत्कर्म क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म क्या है? भक्तों, वैसे तो इस संसार में सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने कार्य को ही सबसे श्रेष्ठ कार्य मानते हैं। कोई किसान खेती करने वाला होगा वो खेती को ही सत्कर्म मानता है, जो वकील होगा तो वकीलात करना यही सत्कर्म मानता है, एक डॉक्टर डॉक्टरी करना उसी को सत्कर्म मानता है, और एक डाकू कहीं डाका डालना उसी को सत्कर्म मानता है। सब लोग अपने मन से, अपनी बुद्धि से अपने कर्म को सत्कर्म मानते हैं, परंतु भगवान की निगाह में, ईश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? जब नारद मुनि ने पूछा तो सनकादिक कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म है यज्ञ करना। यज्ञ करना सबसे बड़ा कर्म है, लेकिन यज्ञ भी दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ। दो प्रकार के यज्ञ, द्रव्य यज्ञ का अर्थ होता है जिसमें हवन कुंड बनाया जाए, होम हवन किया जाए, अग्नि प्रकट किया जाए, आहुति डाली जाए, इसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं।
और दूसरा दूसरी प्रकार का यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। एक छत के नीचे बैठकर भागवत गीता रामायण के ज्ञान को ग्रहण करना, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। दो प्रकार के यज्ञ। संकादिक नारद मुनि को कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ से कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ है भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ। भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ यज्ञ और कोई नहीं है। अतः भागवत बोलना, भागवत सुनना, भागवत का आयोजन करना, यही इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म है, यही इस दुनिया में सत्कर्म है। नारद मुनि को उत्तर मिल गया। ज्ञान वैराग्य को जीवित करने के लिए नारद मुनि ने सनकादिक को निवेदन किया कि हे सनकादिक जी, उत्तर तो मिल गया परंतु अब भागवत का आयोजन करना है ज्ञान वैराग्य को जीवित करने के लिए, तो मैं भागवत कथा का आयोजन करूंगा। इस दुनिया में प्रथम भागवत कथा का आयोजन श्री नारद मुनि ने किया और कहा इस भागवत कथा के वक्ता आप बनिए। परंतु सनकादिकों ने कहा कि भागवत कथा करने के लिए अच्छा स्थान चाहिए। जैसे आप लोगों ने भागवत कथा के लिए कितना सुंदर स्थान चुना है, शिव जी के बिल्कुल चरण कमलों में बैठकर इस मंदिर के निकट प्रांगण में सुंदर भागवत कथा का स्थान। तो भागवत कथा के लिए सबसे पहली जरूरत, सबसे पहली योग्यता है स्थान। नारद मुनि निवेदन कर रहे हैं कि हे सनकादिक जी, ज्ञान वैराग्य का उद्धार करने के लिए आप भागवत के वक्ता बनिए। सनकादिकों ने कहा भागवत के लिए सबसे पहले स्थान चाहिए, एक ऐसा स्थान जो सत्व गुण हो, जो बिल्कुल शुद्ध हो, जहां पर कोई शोर शराबा न हो, और साथ ही साथ तब नारद जी ने कहा कैसा बहुत सुंदर स्थान हरिद्वार में गंगा के तट पर आनंद वन में है, वहां पर मैं भागवत कथा का आयोजन करूंगा। तो बोले स्थान के साथ साथ गान भी चाहिए, बिना गान के भागवत कथा पूर्ण नहीं होती है। इसलिए बहुत सुंदर गाने के लिए हमारे साथ ये साज संगीत है। और भागवत कथा संपन्न करने के लिए स्थान चाहिए, गान चाहिए, साथ ही साथ आप सब लोगों के कान भी चाहिए। अच्छा स्थान हो, अच्छा गान हो, लेकिन कान न हो तब। और कान के साथ साथ आप सब लोगों का ध्यान भी चाहिए। नारद जी ने कहा ये सारी व्यवस्था कर दूंगा और अंत में सबके लिए प्रसाद भी चाहिए। बोले आनंद वन में बहुत सुंदर वृक्ष हैं, बहुत सुंदर फल पके हैं, सभी श्रोताओं के लिए मैं प्रसाद की व्यवस्था करूंगा, आप हरिद्वार पहुंचिए, मैं कथा का आयोजन करता हूं। श्री नारद मुनि ने हरिद्वार में आनंद वन में भागवत कथा का आयोजन किया और सनकादिक वक्ता बने। और भागवत कथा होने जा रही है, यह समाचार तीनों लोक में फैलने लगा और सब लोग धीरे धीरे उस भागवत कथा को श्रवण करने के लिए आने लगे। सब लोग धीरे धीरे अपने अपने घर से पधारने लगे। भक्तों उस भागवत कथा को सुनने के लिए मनुष्य तो आए, लेकिन साथ ही साथ स्वर्ग में रहने वाले देवता भी आए। नारद मुनि कथा के आयोजक हैं और वक्ता सनकादिक हैं। मनुष्य आए, गंधर्व आए, किन्नर आए, यक्ष विद्याधर चारण सब लोग आए। समस्त देवता नए नए वस्त्र धारण करके वह भगवत कथा सुनने के लिए पधारे।
यहाँ तक सूतन लोक से ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, अनेकों भक्त आए। भागवत कथा का आयोजन हुआ है, ये बात वृंदावन में भक्ति महारानी और ज्ञान और वैराग्य के कान में गई। भागवत कथा का आयोजन हुआ है, इस आयोजन हुआ है इतना पता चलते ही ज्ञान और वैराग्य जो अनेक दिनों से मूर्छित हो गए थे, भागवत कथा का आयोजन सुनकर वे जीवित हो गए। ज्ञान और वैराग्य की आंखें खुल गई। भागवत कथा शुरू नहीं हुई है, मात्र आयोजन हुआ है, यह सुनकर ज्ञान और वैराग्य जीवित हो गए, आंखें खुल गई और वृंदावन से चलते चलते हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार पहुंचकर इन समस्त लोगों ने भागवत कथा का श्रवण किया। बहुत सुंदर गंगा की धारावत भागवत कथा गाई जा रही है, सब लोग प्रेम से सुने जा रहे हैं। भागवत कथा का एक दिन समाप्त हुआ, दो दिन समाप्त हुआ, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, ऐसे करते करते सातवां दिन आया और सातवें दिन पूर्णाहुति के समय महासंकीर्तन हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए गाइए प्रेम से, भाव से गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, जय हो राम राम हरे हरे। देखिए कल आपने सुना, जहाँ भागवत कथा होती है उस भागवत कथा में बैठकर भगवान का नाम गाने से हृदय में जो पाप भरे हुए हैं, ये सारे पाप हृदय को छोड़कर भाग जाते हैं। तब आपके मन में प्रश्न होगा कि भागवत कथा में बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करने से हजारों हजारों जन्म के पाप जो है हृदय को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन ये जाते कहाँ हैं, है ना? ये प्रश्न हो सकता है, लेकिन ये पाप जाते कहां है? तो भक्तों, भागवत कथा में बैठकर जो लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं उनके हृदय से पाप निकल जाते हैं, और जो लोग कीर्तन नहीं करते हैं उनके हृदय में जाकर बैठ जाते हैं। इसलिए आपके पड़ोसी के पाप आपके अंदर न आ जाए, कम से कम इसलिए तो गाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। प्रेम से गाइए। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna. प्रकार हरिद्वार में नारद मुनि ने भागवत कथा का आयोजन किया। संसार के समस्त छोटे बड़े लोग इस भागवत कथा का श्रवण किए। सात सात दिन तक भागवत कथा चली और सातवें दिन भागवत कथा के अंत में पूर्णाहुति के समय महासंकीर्तन होने लगा और इस संकीर्तन में सब लोग खड़े होकर नाचने लगे, गाने लगे। वेदव्यास मुनि लिखते हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, प्रहलाद महाराज करताल बजाने लगे। और इतना ही नहीं, भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो चुके थे, मूर्छित हो चुके थे, सात दिन भागवत कथा सुनकर भागवत कथा के कीर्तन में वे जवान हो गए और जोर जोर से गाने लगे और नाचने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय हो, हरे राम हरे हरे। इस प्रकार सब लोग खड़े होकर कीर्तन करने लगे और भागवत कथा के प्रभाव से उस समय भागवत कथा श्रवण करने के फल स्वरूप साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर कौस्तुभ मणि धारण करके साक्षात भगवान विष्णु भागवत कथा में प्रकट हो गए। सभी भक्तों ने भगवान को प्रणाम किया। और उस समय समस्त भक्तों ने भगवान विष्णु को निवेदन किया है, प्रभु प्रभु आज के बाद ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य को रहने के लिए स्थान बताइए। उस समय भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि संसार में
ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य को रहने के लिए मैं उत्तम स्थान बता रहा हूँ। ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य उस भक्त के हृदय में रहेंगे जो लोग 7 दिन तक भागवत कथा का निरंतर श्रवण करेंगे। भागवत कथा का श्रवण करने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इतना सुनकर सभी भक्तों ने जय जयकार किया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भक्तों, यह है भागवत कथा सुनने का प्रभाव। भागवत कथा श्रवण करने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए तो वेदव्यास मुनि ने लिखा है, भक्ति ज्ञानम विरागाणाम, भक्ति ज्ञान विरागाणाम विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए इस भागवत को छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। यह भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ जिससे ज्ञान भक्ति और वैराग्य बढ़ सकती है। भक्तों, यह है भागवत और इस भागवत की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। भागवत महात्म्य की कथा श्रवण करने के पश्चात आइए अब हम श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और भागवत का यह प्रथम स्कंद है, प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। आप सब मेरे पीछे दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतोन्व आदितरत चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। यह श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक। इस प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास मुनि
अपने आराध्य अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं, अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं। श्री वेदव्यास मुनि सत्यम परम धीमहि, इस श्लोक में प्रथम परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। मानो हमारे मन में प्रश्न हो सकता है, वह परम सत्य कौन है? बोले जो ईश्वर है, जो भगवान है, वही परम सत्य है। तब इस दुनिया में अनेकों प्रकार से लोग कंफ्यूज हैं। श्री वेदव्यास मुनि ये प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में आप देखते हो एक बहुत बड़ा धर्म है मुस्लिम धर्म। इस दुनिया में अनेकों मुसलमान, अनेकों मुस्लिम लोग हैं। आप उनको पूछिए कि भगवान कौन है, तो वे कहेंगे एक ही भगवान है और वो है अल्लाह। आप किसी क्रिश्चियन को पूछिए कि भगवान कौन है, तो कहेंगे एक ही भगवान है और वो है जीसस क्राइस्ट। लेकिन आप भारत में आइए और हिंदुओं को पूछिए भगवान कौन, सब लोग कंफ्यूज। भगवान बहुत सारे, दुर्गा देवी भगवान, शिवजी भगवान, गणपति भगवान, वो बापू भगवान, वो बाबा भगवान, फलाने भगवान, और क्या मगजमारी कर रहे हैं। तुम भी भगवान, हम भी भगवान, सब भगवान ही तो है। इस भारत में सब लोग कंफ्यूज हैं। यद्यपि ये भारत सुसंस्कृतमय देश है, जिस भारत में अनेकों पवित्र नदियां बहती हैं, समस्त वेद पुराण शास्त्र उपनिषद जिस भारत में प्रकट हुए, भगवान के सारे अवतार जिस भारत में प्रकट हुए, लेकिन उस भारत में रहने वाले को यही नहीं पता है कि भगवान कौन है। आज तक लोग निश्चित नहीं कर पाते भगवान कौन। और लोगों को पूछने चले तो मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सब लोग अलग अलग मत बताते हैं। इसलिए भागवत के प्रारंभ में ही श्री वेदव्यास मुनि इस दुविधा को, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। भागवत का यह प्रथम श्लोक भागवत में प्रवेश करने के लिए एक द्वार के समान है। भागवत का यह प्रथम श्लोक यदि समझ में आ गया तो मानो आपको पूरा भागवत समझ में आ गया। आचार्यों ने इस भागवत के प्रथम श्लोक के ऊपर बहुत बहुत टीकाएं, बहुत बहुत बातें लिखी हुई है। वेदव्यास मुनि भागवत के इस प्रथम श्लोक में प्रस्तुत करते हैं भगवान कौन है, और इसे समझना मुश्किल नहीं है। आपने अभी दोनों हाथ जोड़कर कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भागवत का प्रथम श्लोक है। इसका अर्थ होता है ओम नमो भगवते, मैं भगवान को नमस्कार करता हूं। नमः भगवते नमस्कारम भगवते, मैं भगवान को नमस्कार करता हूं, भगवान को प्रणाम करता हूं। तो भगवान कौन है? तो कहते हैं ओम नमो भगवते, मैं भगवान को नमस्कार करता हूं, और भगवान कौन? तो कहते हैं वासुदेवाय, वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण ही भगवान है। ये वेदव्यास मुनि का मत है। हम हमारे बिगड़े हुए मन से कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन वेदव्यास मुनि कभी गलत नहीं सोच सकते। वेदव्यास जी अपना मत देते हुए कहते हैं वासुदेव कृष्ण ही साक्षात भगवान है। और मानो हमारे मन में प्रश्न हो और हम वेदव्यास जी को प्रश्न पूछें कि आप कृष्ण को ही भगवान क्यों मानते हो, कृष्ण का परिचय दीजिए। तब वेदव्यास मुनि भगवान कृष्ण का परिचय देते हुए कृष्ण के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण का तटस्थ लक्षण बताते हुए कहते हैं जन्मा
दस्य यतोन्व आदितरत चार्थेषु भिज्ञस्वरा तेने ब्रह्मरिदा आदिकवये मुह्यन्ति यशूरय। भगवान श्री कृष्ण का तटस्थ लक्षण बताते हैं। लक्षते अनेन इति लक्षण, जिस क्रिया से किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हो जाए उस क्रिया को उसका लक्षण कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का परिचय देते हैं, उनका लक्षण, उनकी महिमा बताते हुए कहते हैं, कृष्ण वो है जिससे यह संसार प्रकट हुआ है, जन्म आदि यस्य, जिससे ये संसार सर्जन हुआ, जो इस संसार का पालन करते हैं, जो इस संसार का प्रलय करते हैं, वही है भगवान कृष्ण। आपने कल विस्तार से सुना किस प्रकार से इस संसार का भगवान से प्राकट्य हुआ। यह है कृष्ण का सामर्थ्य। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण इस संसार को प्रकट करते हैं, संसार में रहने वाले जीव को प्रकट करते हैं, और समस्त जीव को प्रकट करने के बाद चार थे शुभी यस्वरा, वे अभिज्ञ है, संसार के सभी जीवों के बारे में अभिज्ञ है। अभिज्ञ माने जानकार है, वे कृष्ण सब के बारे में जानते हैं, सर्वज्ञ। इस संसार में हम दूसरों के बारे में जानने की बात दूर रही, हम हमारे बारे में भी पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। कभी कभी पेट में गड़बड़ हो जाती है, बुखार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर साहब जरा देखिए क्या हुआ। अरे तुझे क्या हुआ, क्या दूसरा देखेगा। हम हमारे बारे में ठीक से नहीं जानते हैं, हमारे बच्चों के बारे में नहीं जानते हैं, दुनिया के बारे में क्या जानेंगे। परसों दोपहर को कौन सी सब्जी खाई, कुछ लोगों को तो यह भी याद नहीं है, दूसरों के बारे में क्या जानेंगे। भगवान अपने बारे में जानते हैं, और इस संसार में रहने वाले सभी जीवों के बारे में अभिज्ञ हैं, सबके बारे में जानते हैं। इसलिए तो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन वेदा हम समति तानी वर्तमानानी अर्जुन भविष्याणी च भूतानी माम तु वेदन कश्चन। इस दुनिया में अनेकों जीव रहते हैं, मैं अकेला हूं और अकेला होकर सभी जीवों के बारे में जानता हूं, लेकिन दुख की बात यह है कि दुनिया में सब लोग मिलकर भी मुझे एक के बारे में नहीं जान पाते, मुझे एक के बारे में नहीं समझ पाते। तो भगवान कृष्ण इस संसार का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, साथ ही साथ सभी जीवों के बारे में अभिज्ञ है, जानते हैं। और इतना ही नहीं, वे स्वराट हैं, वे स्वतंत्र हैं। भक्त ये अगस्त चल रहा है ना, 15 तारीख को हम स्वतंत्र दिन मनाएंगे, 15th August। हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, परंतु भक्तों हम लोग परतंत्र है, हमारे ऊपर अनेकों प्रकार के बंधन हैं। इस जीवात्मा के ऊपर मन बुद्धि और अहंकार का बंधन है, इस आत्मा के ऊपर पंच महाभूत के बने हुए इस शरीर का बंधन है, जन्म लेने के बाद माता का बंधन, पिता का बंधन, गुरु का बंधन, विवाह करने के बाद पत्नी का बंधन, संतान होने के बाद बच्चों का बंधन, परिवार का बंधन, समाज का बंधन, कहीं ऑफिस में दुकान में काम करते हो तो अपने मालिक का बंधन,
जन्म का बंधन, रोग का बंधन, बुढ़ापे का बंधन, बुढ़ापा भी एक बंधन है और सभी जीवों के लिए मृत्यु का बंधन। हम सब लोग इन बंधनों में बंधे हुए हैं। कौन कहता है हम स्वतंत्र हैं? भक्तों, हम लोग परतंत्र है, स्वतंत्र एक ही है और वो है कृष्ण। इसलिए वेदव्यास मुनि भागवत के प्रथम श्लोक में कहते हैं, चार्थेषु भिज्ञ स्वराट। स्वराट माने स्वतंत्र, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। कृष्ण परम स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। और इतना ही नहीं, वे परम ज्ञानी हैं। इसलिए वेदव्यास जी लिखते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। कितने ज्ञानी हैं? कहते हैं आदि कवि, इस सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा, जो चार मुख वाले हैं, सृष्टि के प्रथम जीव हैं, ऐसे ब्रह्मा जी को जिन्होंने ज्ञान दिया, चारों वेदों का ज्ञान जिनके हृदय में प्रस्फुरित कर दिया, प्रकाशित कर दिया, वो है भगवान कृष्ण। और इतना ही नहीं, जो कृष्ण अपने धाम में रहते हैं और जिसका धाम इस महामाया से बिल्कुल विलग है, ये माया उस कृष्ण की ही शक्ति है, लेकिन कृष्ण कभी माया में नहीं फंसते हैं। जो माया के स्वामी है और जिस कृष्ण को समझने के लिए बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे कृष्ण को, ऐसे परम सत्य को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और उस कृष्ण का, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। तो इस प्रकार श्री वेदव्यास मुनि भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण की महिमा को गा रहे हैं। आगे वे कहते हैं, भागवत के प्रथम तीन श्लोक मंगलाचरण स्वरूप है। प्रथम श्लोक में वेदव्यास मुनि भगवान को प्रणाम करते हैं, दूसरे श्लोक में भागवत के विषय वस्तु का निर्देश करते हैं। लिखते हैं, धर्म प्रोजित कैत वोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्य वास्तव मत्र वत्र शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्य ही अवरुद्ध तेत कृति भी सुश्रूषु भी तत्क्षणात् तत्क्षणात्। कहते हैं, धर्म प्रोजित कैत वोत्र परमो। इस भागवत ग्रंथ में किसी भी प्रकार के कपट धर्म का वर्णन नहीं है। भक्तों, इस भागवत में आत्मा के धर्म का वर्णन किया गया है। श्री वेदव्यास मुनि ने इस भागवत ग्रंथ को लिखने से पहले अनेकों पुराण लिखे, परंतु उन पुराणों में उन्होंने कपट किया, परंतु भागवत पुराण में उन्होंने किसी भी प्रकार का कपट नहीं किया है। इस भागवत से पहले 17 पुराण लिखे, उनमें बहुत कपट किया, क्योंकि उन पुराणों में उन्होंने लौकिक धर्म का वर्णन किया था। भक्तों, आपने देखा होगा इस लोक में जब किसी की शादी होती है, ब्याह होता है, तो हमारी माताएं जिसकी शादी होती है उनके लिए गीत गाती है, गाना गाते हैं ना, शादी में मंगल गान गाते हैं, और वो गीत, वो गान किसके लिए? दुल्हे के लिए होता है। वो दूल्हा भले काला कलूटा कोयले जितना काला हो, सुबह मिल जाए तो दिन बिगड़ जाए, लेकिन फिर भी जिस दिन शादी होती है तब उसी का गीत गाया जाता है, क्योंकि शादी है, पड़ोसी का तो गीत गा नहीं सकते। तो उसी प्रकार वेदव्यास मुनि ने भागवत के पहले जो 17 पुराण लिखे, जिसके विषय में, जिसके लिए पुराण लिखे, उन्हीं का गीत गाया, उन्हीं की प्रशंसा की। देवी पुराण लिखा तो वेदव्यास जी ने कपट किया
कि देवी ही भगवान है, देवी ही संसार का सर्जन करती है, देवी ही संसार का प्रलय करती है। शिव पुराण लिखा तो शिव जी को ही सब कुछ बता दिया, गणेश पुराण लिखा तो गणेश को ही सब कुछ बता दिया। वेदव्यास मुनि ने कपट किया और इसीलिए 17 पुराण लिखने के बाद भी वेदव्यास जी का मन संतुष्ट नहीं था, शांत नहीं था। और उस समय उनके गुरु आए, नारद मुनि ने डांटा कि आपका मन शांत इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अनेकों पुराण लिखे लेकिन उन पुराणों में आपने कपट किया है। कलयुग की जनता जब आपके लिखे हुए इन पुराणों को पढ़ेगी, कोई शिव पुराण पढ़ेगा, देवी पुराण पढ़ेगा, कोई गणेश पुराण पढ़ेगा, और ये सब लोग आपस में मिलेंगे तो झगड़ा के अलावा कुछ नहीं करेंगे। वो दोष आपको आपके मस्तक पर आया है, अतः अभी भी आपके पास समय है। आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जो कपट से मुक्त हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कपट न हो। अभी भी आपके पास समय है, आप अपनी गलती को सुधार दीजिए और उस समय 18वें पुराण के रूप में, अंतिम ग्रंथ के रूप में श्री वेदव्यास मुनि ने इस भागवत ग्रंथ की रचना कर दी। और इस भागवत की रचना करने के बाद वेदव्यास जी स्वयं लिखते हैं, धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो, इस भागवत में मैंने कपट नहीं किया है, आत्मा के धर्म का वर्णन किया है। और जो निष्पाप है, जिसके हृदय में कपट नहीं है, वही व्यक्ति भागवत को सुन सकता है, अथवा इस भागवत को सुनकर व्यक्ति अपने जीवन में कपट से मुक्त हो जाता है। क्योंकि इस भागवत में ऐसी ऐसी वस्तुओं का वर्णन है जो वास्तव में जानने लायक है। श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, इस भागवत में ऐसी वस्तु का वर्णन है जो वास्तवम वेद्यम, जो वास्तव में जानने लायक है। भक्त इस दुनिया में जो नहीं जानने लायक है हम रोज सुनते रहते हैं, हम रोज अखबार पढ़ते हैं, टीवी में समाचार देखते हैं, ये अखबार क्या है, दुनिया भर का कचरा, वहां पर इतनों का बलात्कार हो गया, इतना मर गया, इतनी चोरी हुई, डकैती हुई, दुनिया भर का कचरा हमारे घर पर लाकर छोड़ देते हैं और रोज सुबह उठकर भागवत गीता पढ़े या न पढ़े उस कचरे को अवश्य पढ़ते हैं। वास्तव में उसमें कुछ जानने लायक चीज नहीं है। वैसे तो उसे न्यूज कहते हैं, न्यू माने नया, और उसमें एस लगा दिया माने बहुवचन। तत्व से यदि देखा जाए तो उसमें नया कुछ नहीं है, उसमें सब कुछ पुराना है, परंतु एक ही चीज को घुमा फिरा कर लिख देते हैं और हम उसको पढ़ते रहते हैं। पढ़ने लायक यदि कुछ है तो वो है भागवत। क्यों? क्योंकि संसार की वस्तु पढ़ने से, ये उपन्यास, अखबार, समाचार, ये सब पढ़ने से मात्र मन में चिंता बढ़ेगी, लेकिन एक बार भी यदि कोई भागवत को पढ़ लेता है तो सभी दुखों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम, भागवत को सुनने से तीनों प्रकार के ताप उन्मूलनम समूल नष्ट हो जाते हैं, जीवन में फिर कभी दुख नहीं आता है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परे ऋश्वर, और उसमें भी सुखदेव जी के मुख से जब ये भागवत कथा हो गई तो अब अन्य पुराण पढ़ने की क्या आवश्यकता है। वेदव्यास मुनि स्वयं लिख रहे हैं कि जब ये भागवत की रचना हो गई तो अन्य अन्य पुराण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। किम श्रुते बहुर्भि शास्त्रे पुराणेश भ्रमा वहे, वेदव्यास जी कहते हैं अन्य अन्य पुराणों को पढ़ेंगे
तो मात्र मति जो है भ्रमित हो जाएगी। परंतु ये भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो सिंह की तरह गर्जना कर रहा है। जैसे किसी जंगल में, घोर जंगल में जब सिंह दहाड़ता है, जब सिंह दहाड़ता है तो छोटे मोटे पशु पक्षी वहां से भाग जाते हैं, वैसे भागवत रूपी जब गर्जना होती है तो हृदय के सारे पाप हृदय को छोड़कर भाग जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए वेदव्यास मुनि कहते हैं कि जब भागवत की रचना हो गई तब अन्य ग्रंथ, अन्य पुराण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भागवत सुनने से भगवान मिलेंगे ये तो बहुत दूर की बात है। भागवत सुनने से भगवान मिलेंगे ये तो बहुत दूर की बात है। वेदव्यास जी कहते हैं कि भागवत सुनने की इच्छा हो जाए, सुनने की जरूरत नहीं है। यहां पर 4 तारीख से भागवत कथा शुरू होने वाली थी, लेकिन 2-2 महीने पहले से तैयारी हो रही थी। 2 महीने पहले, 1 महीने पहले जिसके मन में भागवत सुनने की इच्छा होती है, जिस दिन से किसी व्यक्ति के मन में भागवत सुनने की इच्छा होती है तो भागवत सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, केवल इच्छा मात्र से। सुनने की बात तो दूर रही, भागवत सुनने की इच्छा होने से तुरंत भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सद्य ही अवरुद्ध तेत कृति भी सुश्रुष भी तत्क्षणात्, उसी क्षण तत्क्षण भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भक्तों, ये है भागवत की महिमा। इसलिए वेदव्यास मुनि श्रीमद् भागवत के 3रे श्लोक में संसार के मनुष्य को निमंत्रित कर रहे हैं, आइए आइए और इस भागवत को सुनिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा दये अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भूवि भावुका। ये भागवत का 3रा श्लोक। श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। सभी वेदों की उपमा यदि वृक्ष के साथ की जाए, 4 वेद सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 108 उपनिषद, इन समस्त वेद और उपनिषद की उपमा यदि वृक्ष के साथ दी जाए तो उस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। भक्तों, जैसे वृक्ष का सार फल होता है, वैसे सभी वेदों का सार श्रीमद् भागवत है। तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। भक्तों, इस संसार में अनेकों फल हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ फल है आम, मैंगो, जो फलों का राजा है। और आम जब वृक्ष के ऊपर पक जाती है, पेड़ पर ही पक जाती है, तब तो और मीठी बन जाती है। परंतु पकी हुई आम जब वृक्ष से गिरती है तो वे फट जाती है और उसमें बहुत सारा धूल और मट्टी लग जाती है। तो मन में प्रश्न हो सकता है कि वेद रूपी वृक्ष से यह भागवत रूपी फल गिरा तो क्या उसमें भी मट्टी लग गई? बोले नहीं नहीं, ये भागवत बिल्कुल परंपरा से नीचे आया है। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल तो है, लेकिन परंपरा से सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव जी ने परीक्षित को दिया। इस प्रकार परंपरा से ये भागवत रूपी फल हम सबको प्राप्त हो रहा है। भक्तों, श्री वेदव्यास जी कहते हैं ये वेद रूपी वृक्ष का फल है, और वो भी पका हुआ फल है, और उसमें भी शुक रूपी तोते ने इसे स्पर्श कर लिया है। हमारे भारत में
ये एक मान्यता है और सत्य भी है। जिस फल को तोता चोंच मार देता है, जिस फल को तोता खा लेता है, वह फल मीठा बन जाता है, अथवा मीठे फल के ऊपर ही तोता अपनी चोंच मारता है, जो भी है। ये भागवत रूपी फल अत्यंत मधुर है, परंतु सुखदेव गोस्वामी ने शुक रूपी तोते ने जब उसे स्पर्श कर लिया, सुखदेव जी ने जब अपने मुख से इस भागवत को गाया, तब तो ये भागवत मधुराती मधुर बन गया, अत्यंत मधुर हो गया। इसलिए इस भागवत को ग्रहण करो। तब हमारे मन में प्रश्न हो सकता है कि कितना भी अच्छा फल हो, कितनी भी अच्छी आम हो, लेकिन उस आम में से गुठली और छिलका तो निकालना होता है। कितनी भी अच्छी आम हो, लेकिन उस गुठले और छिलके को तो हम खाएंगे नहीं। तो क्या भागवत में भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो त्याज्य हैं, जिसको निकालना होगा? तब वेदव्यास मुनि कहते हैं, नहीं नहीं, ये भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का फल नहीं, ये फल का बनाया हुआ रेडीमेड जूस है। ये भागवत फल नहीं, ये तो बनाया हुआ बिल्कुल जूस है। इसलिए कहते हैं श्रीमद भागवतम रसमालयम, ये भागवत बना बनाया रस है। अब तो आम को खाना है तो उसको काटना होगा और उसमें मेहनत करनी होगी, लेकिन भागवत तो बिल्कुल बना बनाया जूस है। इसलिए वेदव्यास मुनि कहते हैं पिबत भागवतम, इस भागवत को खाना नहीं है, इस भागवत को पीना है। भागवत को खाना नहीं है, भागवत को पीना है। भक्तों, भागवत को पीना है, इसका अर्थ क्या है? इस दुनिया में भगवान की प्राप्ति करने के लिए अनेकों साधन हैं, परंतु उन समस्त साधनों में सबसे सरल साधन है भागवत। भगवान की प्राप्ति करने के लिए जो अन्य अन्य साधन है, वो सारे साधन खाने के समान है और भागवत पीने के समान है। आप कहोगे खाने में भी कष्ट होता है। एक बार एक ब्राह्मण कई दूर से अपना काम करके अपने घर पर आए और ब्राह्मणी ने, उनकी पत्नी ने उनके लिए भोजन बनाकर रखा था। उस ब्राह्मण ने अपना हाथ पग मुंह धोया, चौकी के ऊपर बैठे, उनकी पत्नी ने भोजन परोसा। भोजन परोसने के बाद उस ब्राह्मण की पत्नी अपने एक हाथ से पंखा डाल रही थी और दूसरे हाथ से उस ब्राह्मण को भोजन खिला रही थी। एक हाथ से पंखा डाली जा रही है और दूसरे हाथ से भोजन खिला रही है, लेकिन उनकी पत्नी ने देखा फिर भी ब्राह्मण को पसीना आ रहा था। तब ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, पतिदेव आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं, बोलो। बोले 3 घंटे से भोजन मैंने पकाया, आपको भोजन मैंने परोसा, आपको पंखा मैं डाल रही हूं और आपके मुख में निवाला मैं रख रही हूं, लेकिन पसीना आपको क्यों आ रहा है? सारी मेहनत करने मैंने की और पसीना आपको आ रहा है? तब वो ब्राह्मण झुंझलाते हुए बोला, चबा कौन रहा है, तेरा बाप? उस ब्राह्मण देवता को चबाने में मेहनत हो रही थी, और बात भी सत्य है, चबाने में मेहनत होती है। रोटी खाओ मेहनत है, दाल भात खाओ मेहनत है, लेकिन आपको बना बनाया जूस दे दिया जाए तो गड़गड़ गड़गड़ करके पी जाओ, उसमें कोई मेहनत नहीं। वैसे ही भगवान की प्राप्ति करने के लिए
अन्य जो साधन है वो चबाने के समान है, परंतु भागवत जो है वो पीने के समान है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए कुछ लोग तपस्या करते हैं, उसमें बहुत कष्ट है, परिश्रम, मेहनत। कुछ लोग यज्ञ करते हैं, उसमें भी कष्ट है, परिश्रम। दान करना, उसमें भी परिश्रम, मेहनत। लेकिन भागवत सुनना, इसमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। आप लोग इस पंडाल में बैठे हो, भागवत सुन रहे हो, बताइए इसमें क्या कष्ट है? बहुत सुंदर आयोजन है, आप सबके ऊपर पंखे लगे हुए हैं, सुंदर वातावरण है, आराम से बैठकर सुनना है और एक डेढ़ घंटे के बाद खड़े होकर कीर्तन करके प्रसाद लेना है। ये भागवत ये बिल्कुल सरल साधन है और इसलिए वेदव्यास मुनि कहते हैं पिबत भागवतम, इस भागवत को पीते रहो, पीते रहो, इसे ग्रहण करो। तब मन में प्रश्न हो सकता है ये भागवत कब तक पिए? एक घंटा, दो घंटा, तीन दिन, पांच दिन, सात दिन, दस दिन? तब वेदव्यास मुनि कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक दिन प्रतिदिन रोज इस भागवत को पीते रहो। नित्यम भागवत सेवया। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि किसी भी चीज को हम बारंबार करते हैं तो उस वस्तु के प्रति घृणा हो जाती है। आपको रसगुल्ला पसंद है और रसगुल्ला दे दिया जाए, एक रसगुल्ला, दो, तीन, पांच, पच्चीस, पचास, फिर अति आहार करोगे तो उस रसगुल्ला के प्रति घृणा हो जाएगी, अरुचि हो जाएगी। तो क्या भागवत को बार बार सुनेंगे तो भागवत के प्रति अरुचि नहीं होगी? बोले नहीं होगी, क्योंकि भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, भागवत अमृत के समान। अमृत माने न मृत, जिससे कभी अरुचि न हो, जिससे कभी घृणा न हो। यश्णवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। भागवत तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जितना सुनोगे उतना आनंद और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। इसलिए भक्तों इस भागवत को निरंतर सुनते रहना चाहिए। इस प्रकार वेदव्यास मुनि भागवत के प्रारंभ में तीन श्लोक में मंगलाचरण करते हैं, भगवान को प्रणाम, वस्तु निर्देश और भागवत सुनने के लिए सबको निमंत्रण देते हैं। अब वेदव्यास मुनि श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हैं, लेकिन इसके में पहले पांच मिनट खड़े होकर नाचते हुए सब लोग कीर्तन करेंगे। देखिए जब कीर्तन करते हैं तब नाचते हुए कीर्तन करना चाहिए, हैं किसी के मातम में गए हैं ऐसे मरते हुए बैठे बैठे नहीं, बड़े भाव से कीर्तन होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सुंदर आयोजन हुआ है, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े भाव से नाचिए और गाइए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Naam Sankirtan Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hare Hare Gaur निमिष क्षेत्रे ऋषय शोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासतः श्री वेदव्यास मुनि श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हुए लिखते हैं द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में इस दुनिया के सभी ऋषि मुनि यह भयानक कलयुग को आते हुए देखकर भयभीत हो गए और सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए एकत्रित होकर ऋषि मुनियों ने निर्णय लिया कलयुग आ रहा है कलयुग के दोषों से मुक्त होने के लिए और कलयुग के प्रभाव से लोगों को मुक्त करने के लिए हमें कुछ करना होगा क्या करें बोले यज्ञ करेंगे क्योंकि यज्ञ करना ये ऋषि मुनियों का स्वाभाविक कर्तव्य है सभी ऋषि मुनि यज्ञ करना चाहते थे और वे सब ब्रह्मा जी के पास ब्रह्म लोक में गए निवेदन करने लगे कि हे विदाता हे ब्रह्मा जी हम सब ऋषि मुनि यज्ञ करना चाहते हैं अतः इस पृथ्वी पर आप ऐसे स्थान का निर्देशन कीजिए जहां पर कलयुग का प्रभाव न हो उस समय ब्रह्मा जी ने अपने मनोमय चक्र निर्माण किया और वह मनोमय चक्र ब्रह्म लोक से पृथ्वी लोक पर छोड़ा वह चक्र घूमते घूमते इस भारत वर्ष में लखनऊ से 80-90 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र में आकर गिरा उस क्षेत्र में उस चक्र की धार क्षीण हो गई इसलिए उस क्षेत्र का नाम हुआ नैमिषारण्य ब्रह्मा जी ने नैमिषारण्य वह स्थान निर्धारित किया सभी ऋषि मुनि वहां पर पहुंचे हैं और सभी ऋषि मुनियों ने सर्वप्रथम उस पवित्र धेनुमती गोमती नदी में स्नान किया और हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि हम 1000 वर्ष तक यज्ञ करेंगे सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान लिया है अनुष्ठान हुआ और यज्ञ प्रारंभ हो गया धीरे धीरे यज्ञ की ध्वनि यज्ञ की अग्नि उठने लगी कुछ दिन बीतने के बाद
वहां के ऋषि मुनियों को चिंता होने लगी कि भावुकता में आकर हमने 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प तो ले लिया, परंतु 1000 वर्ष तक हमें भोजन पानी कौन देगा, 1000 वर्ष तक पहनने के लिए वस्त्र कौन देंगे। भक्तों, उन ऋषि मुनियों को भोजन की और कपड़े की चिंता होने लगी तो आज के मनुष्य को भोजन कपड़े की चिंता हो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। भागवत कथा का आयोजन है और प्रचार होता है भागवत कथा में आइए, तो कुछ लोग कहते हैं भागवत में बैठेंगे तो कमाएगा कौन, भागवत में चले जाएंगे तो खाना पीना कौन देगा। जब ऋषि मुनियों को यह चिंता होने लगी तब उन ऋषि मुनियों के बीच में एक श्रेष्ठ ऋषि मुनि थे जिसका नाम था शौनक ऋषि, शुनक के पुत्र थे, नाम हुआ शौनक। भृगुवंश में जन्म लेने के कारण इनका नाम भार्गव भी था। इनकी भगवान के चरणों में बहुत श्रद्धा थी, विश्वास था। जो सभी ऋषि मुनियों में ज्ञान वृद्ध थे, वयोवृद्ध थे और बहुत बड़े भक्त थे। जब अन्य ऋषि मुनियों को चिंता होने लगी तब शौनक ऋषि वहां पर आए और ऋषि मुनियों को कहने लगे कि आप लोग व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो, भोजन आच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, आप लोग वैष्णव होकर चिंता कर रहे हो, वैष्णवों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहां पर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। हम जिस विष्णु की भक्ति कर रहे हैं उस विष्णु का एक नाम है विश्वंभर, और विश्वंभर का अर्थ होता है विश्व माते माने जगत और अंबर माने भरण पोषण करने वाला। जो विष्णु पूरे जगत का भरण पोषण करता है वो क्या उनके भक्त का भरण पोषण नहीं करेगा, अवश्य करेगा, बस हमें विश्वास होना चाहिए। शौनक जी ने सबको विश्वास दिलाया और सब लोग यज्ञ में स्थित हो गए। एक के बाद एक दिन बीतने लगे, यज्ञ होने लगे। उस यज्ञ होते होते एक दिन की बात वेदव्यास जी लिखते हैं, तो एक दातु मुनय प्रातर होत होता नय सत्कृतम सुतमासीनम प्रपच्छो इदमादरा। एक दिन की बात, उन ऋषि मुनियों को पता चला कि भागवत के परम वक्ता श्री उग्रश्रवा सूत पधार रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी से भागवत कथा का श्रवण करने के बाद श्री सूद गोस्वामी हमारे नैमिषारण्य क्षेत्र में आ रहे हैं, यह बात सभी ऋषि मुनियों के कान में गई। सभी ऋषि मुनियों ने मीटिंग की, बोले सूद गोस्वामी यदि नैमिषारण्य में आ रहे हो तब हमें क्या करना चाहिए। अंत में सभी ऋषि मुनियों ने निर्णय लिया कि यदि भागवत के परम वक्ता सूद गोस्वामी हमारे नैमिषारण्य में आ रहे हैं तो हमें यज्ञ को छोड़कर भागवत कथा सुननी चाहिए, क्योंकि हवन कुंड में आहुति देना यह भी यज्ञ है और भागवत सुनना यह भी यज्ञ है, परंतु हवन कुंड में आहुति देने से इस द्रव्य यज्ञ से कोटि गुना श्रेष्ठ है भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ। इसलिए हम यज्ञ को छोड़ेंगे और भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ को सुनेंगे। ऋषि मुनियों ने यज्ञ की अग्नि बंद कर दी। कुछ ऋषि मुनि धेनुमती नदी का जल लाकर उस यज्ञ कुंड में डाल दिए, तो कुछ ऋषि मुनि रेती मट्टी लाकर उस यज्ञ में डाल दिए। यज्ञ शांत हो गया। श्री सूद गोस्वामी उस ऋषि मुनियों की सभा में आए, सभी ऋषि मुनियों ने सूद गोस्वामी का स्वागत किया।
उच्च आसन पर विराजमान किया। शुद्ध गोस्वामी की आरती हुई, पूजा हुई, उनको उचित आसन प्रदान किया और तत्पश्चात सभी ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा। जब सभी ऋषि मुनिगण प्रश्न पूछने लगे तब शुद्ध गोस्वामी किसका प्रश्न सुने, किसका उत्तर दे, ये कुछ निश्चित नहीं हो रहा था। इसलिए अंत में आखिर सभी ऋषि मुनि ने निर्णय लिया कि हम सब की ओर से शौनक ऋषि ही प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ हैं। तो भक्तों, भागवत के प्रारंभ में उन ऋषि मुनियों ने शुद्ध गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछे हैं। प्रथम प्रश्न उन ऋषि मुनियों ने शुद्ध गोस्वामी को पूछा कि हे शुद्ध गोस्वामी, कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? ऐसा कौन सा साधन है जिससे कलयुग के जीवों का उद्धार हो जाए? एक दूसरा प्रश्न पूछा, समस्त वेद शास्त्र पुराण और उपनिषदों में आत्मा का कल्याण करने के लिए कौन सा उपाय बताया गया है? आप यह बताइए, आत्मा का कल्याण कैसे हुआ? कितना सुंदर प्रश्न है भक्तों। मनुष्य और पशु में इतना ही अंतर है कि मनुष्य प्रश्न पूछ सकता है, एक पशु प्रश्न नहीं पूछ सकता। मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, पशु जिज्ञासा नहीं कर सकता। इसलिए वेदव्यास मुनि ने ब्रह्म सूत्र में, वेदांत सूत्र में प्रथम सूत्र के रूप में लिख दिया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब मनुष्य जीवन मिला है तो सबसे पहले ब्रह्म के विषय में, भगवान के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। जब तक हम भगवान के विषय में जिज्ञासा नहीं करते हैं तब तक हम मनुष्य नहीं, हम पशु हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला ही है भगवान के विषय में जानने के लिए, भगवान के निकट जाने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। इसलिए जिज्ञासा करनी चाहिए। और यहां पर जिज्ञासा करते हुए कहा, कलयुग के जीवों का उद्धार हो ऐसा साधन बताइए। दूसरी जिज्ञासा, आत्मा का कल्याण कैसे होगा? कितनी सुंदर बात है भक्तों, आत्मा का कल्याण कैसे होगा, यह प्रश्न पूछ रहे हैं, यह जिज्ञासा कर रहे हैं। हम लोग इस संसार में सुखी होने के लिए सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक रात दिन मेहनत करते हैं। कुछ लोग जवान हुए, बूढ़े हुए और बहुत बहुत मेहनत करने के बाद भी सुख नहीं मिला। आखिर क्यों? हमारी सारी मेहनत सुखी होने के लिए है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं आ रहा है? भक्तों, इसका यही कारण है कि हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं ना, हमारे सुखी होने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत हमारे शरीर के लिए है। हम हमारे शरीर को सुखी करना चाहते हैं। हम सुखी होने के लिए सिनेमा घरों में जाते हैं, फिल्म देखते हैं, आंखों को तृप्त करना चाहते हैं, फिल्म देखकर आंखों को तृप्त करना चाहते हैं, होटलों में जाकर अपनी जिह्वा को तृप्त करना चाहते हैं, फिल्मों के गाने सुनकर कान को तृप्त करना चाहते हैं, बड़े बड़े हिल स्टेशनों में जाकर हम हमारे शरीर को तृप्त करना चाहते हैं। भक्तों, सुखी होने के लिए जो हमारी मेहनत है, ये सारी मेहनत हमारे शरीर के लिए है। सुखी होना तो चाहते हैं लेकिन मेहनत शरीर के लिए कर रहे हैं। लेकिन भक्तों, हम ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है, हम तो आत्मा है। इसलिए आत्मा के लिए मेहनत होनी चाहिए, शरीर के लिए नहीं होनी चाहिए। शरीर के लिए कितनी भी मेहनत करोगे,
शरीर के लिए कितना ही परिश्रम करोगे जीवन में सुख नहीं मिलेगा। आत्मा के लिए परिश्रम करना चाहिए, आत्मा के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप, हमारी वास्तविक पहचान हम आत्मा है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ममे वांश्य जीव लोके जीव भूत स्नातन मन सष्टानी इंद्रियाणी प्रकृतिम स्थानी करशति। इस संसार में जितने भी लोग हैं ये सब भगवान के अंश हैं, उस परमात्मा के अंश होने के नाते सब लोग जीवात्मा है, आत्मा, हम सब आत्मा है। और मेहनत करते हैं शरीर के लिए, शरीर के लिए नहीं। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो आत्मा के लिए मेहनत करनी चाहिए। महात्मा गण दृष्टांत देते हैं, एक आदमी के घर पर बहुत सुंदर पिंजरा था, पिंजरा जानते ना, उस पिंजरे में एक तोता था। एक दिन वह तोता रोने लगा तो उस मालिक ने सोचा कि बेचारा यह तोता लोहे के पिंजरे में है इसलिए रो रहा है, तो उन्होंने चांदी का पिंजरा बनवाया और उसमें तोते को रख दिया, फिर भी वह तोता रोता रहा। तो सोचा बेचारा यह तोता चांदी के पिंजरे में है, मैं सोने के पिंजरे में रखूंगा। उसने सोने के पिंजरे में तोते को रखा, फिर भी रोता रहा। सोचा सोने के पिंजरे में है इसलिए रो रहा है, मैं इसमें हीरे जवेरात लगा दूंगा। हीरा जवेरात लगाकर वह पिंजरा बनवाया, उस तोते को उस पिंजरे में रखा, लेकिन फिर भी वह तोता रोता रहा। भक्तों कारण क्या है? कारण यही है कि बाहर से उस पिंजरे को कितना भी सजाओ, बाहर से उस पिंजरे को कितना भी बदलो, बाहर से उस पिंजरे के ऊपर कितना भी श्रृंगार करो, लेकिन पिंजरे के अंदर रहने वाले तोते के लिए कुछ नहीं करोगे तब तक उस तोते का रोना बंद नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार बाहर से इस शरीर को हम कितना ही सजाए, बाहर से इस शरीर के लिए कितनी भी मेहनत करें, जब तक इस शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक हमारा दुख दूर नहीं होगा और तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख आ जाए तो हमें आत्मा के लिए मेहनत करनी चाहिए, हमें आत्मा का उद्धार करना चाहिए। और आत्मा का उद्धार होता है भगवान का नाम लेने से, भगवान की भक्ति करने से। भागवत का दूसरा प्रश्न है कि आत्मा का उद्धार कैसे होगा, और यह जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार धारण क्यों किए। चौथा प्रश्न, साक्षात भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आए। पांचवा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के सारे अवतारों की कथा सुनाइए। और छठा प्रश्न, हे सुध गोस्वामी, जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो कृष्ण अपने उपदेश के द्वारा, अपनी लीला के द्वारा इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की, परंतु कृष्ण के चले जाने के बाद धर्मम कह शरणम गत। कृष्ण के चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? कृष्ण के चले जाने के बाद यदि हमें यह जानना हो धर्म क्या है तो हम कैसे जान सकते हैं, यह है ऋषि मुनियों का छठा प्रश्न। इसका उत्तर आगे आएगा लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं, क्योंकि आगे यदि उत्तर दूंगा तब तक तो आप ये प्रश्न भी भूल गए होंगे, क्योंकि भूलना ये हमारी कमजोरी है। तो धर्म किसकी शरण में गया? सुध गोस्वामी ने आगे कहा है, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो दृष्ट निशामेश पुराणा अर्को दिनोदित।
कृष्ण स्वधाम उपगते, भगवान कृष्ण जब अपने धाम में चले गए, धर्म अज्ञान इन सब को लेकर कृष्ण जब अपने धाम में चले गए, उस समय कृष्ण की अनुपस्थिति में धर्म के तत्व को, धर्म के सिद्धांत को नक्की करने वाला कौन रहा? तो कहते हैं कृष्ण का जन्म सोम वंश में हुआ। सोम वंश माने चंद्र वंश। भक्तों हम देखते हैं जब चंद्रमा का उदय होता है तब सूर्य का अस्त होता है, जब सूर्य का अस्त होता है तब चंद्रमा का, जब सूर्य का उदय होता है तब चंद्रमा अस्त होता है। भक्तों जब चंद्रमा अस्त होता है तब सूर्य उदय होता है। कृष्ण रूपी चंद्रमा का जब अस्त हो गया तब भागवत रूपी पुराण का उदय हो गया। कृष्ण के जाने के बाद धर्म का तत्व नक्की करने वाला एकमात्र साधन और वह है भागवत। अर्थात ये धर्म जो है भागवत की शरण में गया। अर्थात हमें यह जानना हो कि हम धार्मिक हैं, हम कितने बड़े धार्मिक हैं, तो हम भागवत से नक्की कर सकते हैं। भागवत ही एकमात्र प्रमाण है, श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम, भागवत ही सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इस प्रकार ऋषि मुनियों के 6 प्रश्न पूछे गए और इस 6 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। भक्तों लगभग 88,000 ऋषि मुनि थे, सूत गोस्वामी के चरणों में बैठे थे और सूत गोस्वामी अब भागवत कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन सूत गोस्वामी के विषय में यदि आपको जानकारी दूं तो ये सूत गोस्वामी रोमहर्षण सूत के पुत्र थे जिसका नाम है उग्रश्रवा। वास्तव में ये ब्राह्मण नहीं थे। इस संसार में कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है और ये लोगों की संकीर्णता है कि ये भागवत कथा मात्र ब्राह्मण ही बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। भागवत के ऊपर सबका अधिकार है और इसका ज्वलंत प्रमाण सूत गोस्वामी, भागवत के वक्ता सूत गोस्वामी क्या ब्राह्मण थे? ब्राह्मण नहीं थे, वे सूत जाति के थे। वे क्षत्रिय माता के गर्भ से जन्म लिए थे। सूत गोस्वामी ब्राह्मण नहीं थे। क्या वेदव्यास जी ब्राह्मण थे? वेदव्यास जी का जन्म सत्यवती जो मछुआरे की पुत्री थी उनके गर्भ से हुआ था। भागवत लिखने वाला ब्राह्मण नहीं, भागवत प्रवचन करने वाला ब्राह्मण नहीं, तो आज के लोग ये दावा कैसे कर सकते हैं कि भागवत मात्र ब्राह्मण ही बोल सकता है? नहीं। जिसके हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति है वो भागवत बोलने का अधिकारी है। सूत गोस्वामी सूत जाति के हैं और बहुत सुंदर वक्ता है। ऐसे सूत गोस्वामी भागवत सुनाना प्रारंभ करते हैं और प्रथम 3 अध्याय में श्री सूत गोस्वामी भागवत के अनेकों सिद्धांत बताते हैं। कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। सवे पुंसा परो धर्म यतोरु भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज कृष्ण की भक्ति करना यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। और संसार के लोग उस भगवान कृष्ण की भक्ति करे, लोगों का मन भगवान में लगे, इसलिए भगवान इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के अवतार धारण करते हैं। अवतार लेकर सुंदर सुंदर लीला करते हैं और इस लीला के द्वारा लोगों के मन को आकृष्ट करते हैं।
लोगों का मन भगवान की लीला के प्रति आकृष्ट होता है, तब भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं। तो भक्तों, भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर होना ये भगवान की बहुत बड़ी करुणा है, बहुत बड़ी कृपा है। श्री शुद्ध गोस्वामी भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। अवतार का अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना। भगवान अपने धाम वैकुंठ में रहते हैं, उस वैकुंठ से इस पृथ्वी पर आने की क्रिया को अवतार कहा जाता है। वैसे भगवान के असंख्य अवतार हैं, अवतारा ही असंख्य है, लेकिन हमारे शास्त्रों में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हुआ है। श्री शुद्ध गोस्वामी भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम भगवान के प्रथम अवतार का वर्णन करते हैं। भगवान ने प्रथम अवतार धारण किया सनकादिक के रूप में। भक्तों, अवतार की बात आई है इसलिए आपको कह दूं, इस दुनिया में कई मनुष्य लोग अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं, लेकिन भगवान का अवतार जो होता है उसका वर्णन शास्त्र में पूर्व से ही किया जाता है। इसलिए आज के बापू बाबा या आजकल के जो पाखंडी लोग अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं, उसे कहना चाहिए कि आप यदि भगवान हो तो किस शास्त्र में लिखा है? क्या आपका नाम भागवत में लिखा है? क्या आपके अवतार का वर्णन किसी पुराण में है? जो भगवान के अवतार होते हैं उनके बहुत सारे लक्षण होते हैं। जो भगवान के अवतार होते हैं उसके चरणों में अनेक चिन्ह होते हैं। भगवान के जो अवतार होते हैं उनके अद्भुत कार्य होते हैं। भगवान के अवतार कभी बूढ़े नहीं होते। आज तो आदमी बूढ़ा हो जाता है, दांत गिर जाता है, हॉस्पिटल में जाकर ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है और कहता है मैं भगवान का अवतार। इस दुनिया में लोग भी कहते हैं कि फलाने भगवान के अवतार है, फलाने परमात्मा है। भक्तों, इस दुनिया में परमात्मा कोई नहीं बन सकता। हम सब लोग आत्मा हैं और आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा यदि भगवान की भक्ति करे तो महात्मा अवश्य बन सकती है, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकती। महात्मा बन सकते हैं, परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा परमात्मा है और जीव जीव है। जीव और शिव का कोई मिलान नहीं है। भगवान विभु है तो आत्मा अणु है। भगवान स्वतंत्र है, आत्मा परतंत्र है। अतः भगवान में और संसार के जीव में बहुत अंतर है। इसलिए भावुकता में आकर संसार के साधारण जीव को भगवान नहीं मानना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। और भगवान के अवतार कौन है इसका वर्णन श्री शुद्ध गोस्वामी करते हैं। भगवान का प्रथम अवतार सनकादिक के रूप में हुआ। ब्रह्मा जी के प्रथम चार पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत, जो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का धारण पालन किए और लोगों को उपदेश दिए। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार वराह के रूप में हुआ। हिरणाक्ष के द्वारा इस पृथ्वी को पाताल में छुपाया गया था। भगवान वराह ने शुक्र रूप धारण करके पाताल में जाकर उस पृथ्वी को बाहर निकाल दिया, उद्धार कर दिया। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार नारद के रूप में हुआ।
और जिन्होंने पंचरात्रक विधि का प्रवर्तन किया। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ। यह अवतार धारण करके भगवान ने सहस्त्र कवच असुर का विध्वंस किया। और इतना ही नहीं, बद्रिकाश्रम में जाकर, बद्रीनाथ में जाकर तपस्या करने लगे और अपनी तपस्या से इस संसार के विघ्नों को, इस संसार के पाप को हरने लगे। भक्तों, आज इस पृथ्वी पर इतने पाप हो रहे हैं, इतने पाप हो रहे हैं कि इस पाप के फल स्वरूप ये पृथ्वी अपने स्थान पर टिक नहीं सकती है। लेकिन आज भी भगवान नर नारायण बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं और तपस्या के द्वारा कलयुग के पाप को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए पृथ्वी अपने स्थान पर खड़ी हुई है। नहीं तो पृथ्वी कब की गिर गई होती। भगवान विष्णु का पांचवा अवतार कपिल के रूप में हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति के गर्भ से इनका जन्म हुआ और सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया। भगवान विष्णु का छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में हुआ। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी इन तीनों के अंश से अत्रि अनसुया के पुत्र के रूप में भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए और इन्होंने 24 गुरु धारण करके संसार के जीवों को उपदेश दिया। भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ है, प्रेम से भगवान का नाम गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव से गाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु के 6 अवतार हुए। भगवान विष्णु का 7वां अवतार यज्ञ के रूप में हुआ। 8वां अवतार ऋषभ के रूप में हुआ। भगवान विष्णु का 9वां अवतार पृथु महाराज के रूप में हुआ। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में हुआ। भगवान विष्णु का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ। 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में हुआ। 13वां अवतार मोहिनी के रूप में हुआ। 14वां अवतार नरसिंह के रूप में हुआ। 15वां अवतार वामन के रूप में हुआ और 16वां अवतार परशुराम के रूप में हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से गाइए। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय हो। हरे राम
Hare Rama, Rama Hare Hare. इस प्रकार पंद्रहवा अवतार परशुराम जी के रूप में हुआ, सत्रहवा अवतार वेदव्यास जी के रूप में हुआ, अठारहवा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में हुआ, उन्नीसवा अवतार कृष्ण के रूप में, बीसवा अवतार बलराम के रूप में, इक्कीसवा अवतार श्री हरि के रूप में, बाईसवा अवतार हंस के रूप में, तेईसवा अवतार इस कलयुग में बुद्ध के रूप में, और चौबीसवा अवतार हुआ नहीं है, जब कलयुग समाप्त होगा उस समय भगवान विष्णु का चौबीसवा अवतार होगा कल्कि के रूप में। इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किए। एते चान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियाकुलं लोकं मुड़यन्ति युगे। श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किए, और उन अवतारों का वर्णन करने के बाद श्री सूद गोस्वामी कहते हैं कि ये जिन अवतारों का वर्णन मैंने आपको किया है, इन अवतारों के वर्णन में एक तत्व की बात यह है कि ये जितने भी अवतार हैं ये भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, परंतु कृष्ण जो है वे साक्षात अंशी है, कृष्ण अंश नहीं अंशी है। ये सब कृष्ण के अवतार हैं और कृष्ण जो है स्वयं अवतारी है, अर्थात ये सभी अवतार भगवान कृष्ण से प्रकट होते हैं। कृष्ण कोई अवतार नहीं, कृष्ण साक्षात भगवान है। इसलिए कहते हैं एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान है। तो भक्तों इस प्रकार अवतार का वर्णन किया और अवतारी का वर्णन किया। अवतारों का वर्णन सुनने के बाद 88,000 ऋषि मुनि में सभी की ओर से शौनक जी कहते हैं कि हे सुद गोस्वामी, आपके मुख से यह कथा सुनकर हमारा मन भगवान में लग रहा है, यह कथा सुनते हुए बड़ा आनंद हो रहा है। सुखदेव जी आप ये सारी कथा विस्तार से बताइए, आपने तो ये अवतारों के मात्र नाम गिना दिए, हमें नाम नहीं गिनना है, हमें तो इन अवतारों के बारे में विस्तृत रूप से सुनना है, आप सब कुछ विस्तार से बताइए, किस प्रकार से भगवान आए, ये सभी अवतार किस प्रकार से हुए, ये सब कुछ आप हमें विस्तार से बताइए। जब इस प्रकार से शौनक जी ने जिज्ञासा की तब सूद गोस्वामी अब विस्तार से इस भागवत कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। भक्तों ऐसा आचार्यों का मानना है और सत्य भी है कि जहां पर महाभारत का अंत हुआ वहां से भागवत प्रारंभ हुआ, जहां महाभारत का अंत होता है वहां से भागवत प्रारंभ होता है। महाभारत का अंत इस भागवत कथा के प्रारंभ में, महाभारत का अंत कहां हुआ श्री सूद गोस्वामी कहते हैं, यदा मृधे को रवसिंजयानाम
विरेश्वतो मे प्रगतिं गतेषु वृकोदरावीत् गदाभिमर्ष भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे महाभारत का अंत होता है यदा मृदे कौरव सिंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु कुरुक्षेत्र की भूमि में कौरव और पांडवों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। भक्तों ये युद्ध 18 दिन तक चला। उस युद्ध में लाखों लाखों लोगों का विध्वंस हो गया और अंत में भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा टूटी है। कौरवों के पक्ष में सब लोग मारे गए हैं, एक दुर्योधन बचा था। उस दुर्योधन को गदा युद्ध में वृकोदर भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दी और दुर्योधन और उस कुरुक्षेत्र की भूमि के बीच में मूर्छित होकर गिर गया और अपने जीवन की अंतिम सांस गिनने लगा। अंधेरी रात है और दुर्योधन कराह रहा है, अपने जीवन की अंतिम क्षण गिन रहा है। पांडवगण युद्ध समाप्त करके अपनी अपनी शिविर में जाकर सो गए हैं और उस समय दुर्योधन की खबर लेने के लिए महाभारत के 3 वीर वहां पर उपस्थित हुए, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। ये 3 जन दुर्योधन की खबर लेने के लिए आए, परंतु दुर्योधन की स्थिति को देखकर अश्वत्थामा के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। भर्तुं प्रियं द्रौ निरीति स्म पशन् कृष्णा सुताना स्वपतां सिरांश उपाहरद वि प्रियमे वतस्य जुगोप्सितं कर्म विगर्हयन्। उस समय अश्वत्थामा अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय करने के लिए, अपने स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा उस अंधेरी रात में वहां से चला गया और रातों रात पांडवों की शिविर में जाकर उस सोए हुए पांडवों के मस्तक को काट दिया और दौड़कर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और कहने लगा, मित्र दुर्योधन, तुम चिंता मत करना, मैं अभी अभी 5 पांडवों के मस्तक को काट कर आया। अश्वत्थामा ने जब कहा 5 पांडवों के मस्तक काट कर आया हूं, दुर्योधन ने कहा, असंभव, असंभव, ये हो नहीं सकता है। बोले, नहीं, मैं मेरे इन हाथों से पांडवों के मस्तक को काट कर आया। तब दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, तो मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दो, तुम जब पांडवों के मस्तक को काटने गए तब कृष्ण कहां थे? पांडवों के मस्तक को काटने गए तब कृष्ण कहां थे? अश्वत्थामा ने कहा, स्वामी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, मैं जीवन भर तक और कुछ तो नहीं समझ पाया, लेकिन इतना तो समझ गया कि जहां पर कृष्ण खड़े हैं वहां पर उनके भक्तों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, पांडवों को कोई कुछ नहीं कर सकता, जहां पर कृष्ण खड़े हैं।
इसलिए बताओ कृष्ण कहां थे? अश्वत्थामा ने कहा, स्वामी मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं पांचों पांडवों के मस्तक को काटकर गोनी में भरकर यहां लेकर आया हूं। अंधेरी रात थी, देख तो नहीं सकते थे, परंतु दुर्योधन ने कहा वह पांडवों के मस्तक मेरे हाथ में रख दो, मैं परीक्षण करूंगा, क्योंकि उसमें जो भीम का मस्तक होगा ना उसे मैं पहचान लूंगा, क्योंकि वो तो वज्र से भी कठोर होगा। इतना कहते ही अश्वत्थामा ने वह पांचों पांडवों के मस्तक दुर्योधन के हाथ में रखे। जैसे ही दुर्योधन वो मस्तक पकड़ने गया, पच 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 करके पांचों मस्तक फूट गए, और उस समय दुर्योधन को पता चला कि ये पांडवों के मस्तक नहीं, ये अश्वत्थामा पांडवों के नन्हे नन्हे पांच बालकों के मस्तक को काट कर लाया। उस समय दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ। किसी ऋषि मुनि ने दुर्योधन को श्राप दिया था, जीवन में जब हर्ष और शोक दोनों एक साथ होगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी। अश्वत्थामा जब ये खबर लेकर आया कि मैं पांडवों के मस्तक काट कर आया हूं, तब दुर्योधन को हर्ष हुआ, और ये पांडवों के मस्तक नहीं उनके छोटे छोटे बच्चों के मस्तक हैं, ये पता चलते ही दुर्योधन को शोक हुआ। हर्ष शोक दोनों एक साथ होने पर दुर्योधन की मृत्यु हो गई। कौरवों का विध्वंस, कुरुवंश का ये वंश ही समाप्त हो गया। और भक्तों, दूसरी ओर देवी द्रौपदी रोज की तरह स्वयं जग गई और अपने नन्हे नन्हे बालकों को जगाने जा रही है, और बालकों के मस्तक से जब द्रौपदी ने चादर हटाई तो देखा छोटे छोटे बालक जिनके मस्तक कट गए थे। यह दृश्य देखकर द्रौपदी रोने लगी, द्रौपदी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, चिल्लाने लगी, माता शिशु ना। यह करुण दृश्य का चित्रण शिशुद गोस्वामी ने किया है। माता शिशु ना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुद्वाष्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीटमानी माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोर परितप्यमान। भक्तों, आप विचार कीजिए उस द्रौपदी के हृदय में कितना कष्ट हुआ होगा। छोटा सा बालक होता है और खेलते खेलते उन्हें थोड़ी सी खरोज भी आ जाए तो उस बालक से भी ज्यादा कष्ट उनकी माँ को होता है, और इस माँ के एक नहीं दो नहीं पांच पांच पुत्र के मस्तक कट गए। द्रौपदी चिल्लाने लगी, रोने लगी, उनके पांचों पति पांचों पांडव वहां पर आ गए। द्रौपदी को दुखी देखकर रोते हुए देखकर उनको सांत्वना देते हुए उस वीर अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, हे द्रौपदी मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज शाम तक तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को तुम्हारे चरणों में न सौंप दूं तो मैं अर्जुन स्वयं अपने गांडीव से अपनी आत्महत्या कर लूंगा। देवी उस हत्यारे को, उस आदताई को
तुम्हारे चरणों में सौंप दूंगा और उसके मस्तक पर पांव रखकर तुम अपने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया करोगे। अर्जुन ने कृष्ण को इशारा किया और भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य रथ निकाले। अर्जुन रथ पर सवार हुए, कृष्ण ने अपने रथ को दौड़ाया। अश्वत्थामा समझ गया कि कृष्ण और अर्जुन मेरा पीछा कर रहे हैं। अश्वत्थामा भी अपने रथ पर सवार होकर दौड़ने लगा, परंतु अश्वत्थामा के रथ के घोड़े दौड़ते दौड़ते थक गए। अश्वत्थामा उस रथ से उतर गया, वे स्वयं दौड़ने लगा। अर्जुन भी रथ से उतर गए, स्वयं दौड़ने लगे। अर्जुन अश्वत्थामा के बीच में एक हाथ का अंतर था और उस समय अश्वत्थामा अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का सम्मान कर दिया। अर्जुन समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। प्रलय की अग्नि प्रकट हो गई, बादल जम गए और अर्जुन को लगा ये प्रलय का समय तो नहीं आया। तुरंत अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए, निवेदन करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर, तुम एक दैय माना नाम अपवर गोसी संस्रिते, हे कृष्ण हे महाबाहो, ये क्या हो रहा है, आप बताइए मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और वह मूर्ख अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता है लेकिन ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता है। अतः अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो और फिर दोनों ब्रह्मास्त्र एक साथ वापस खींच लो। कृष्ण ने जैसे कहा अर्जुन ने वैसे ही किया और ब्रह्मास्त्र शांत करने के बाद पुनः अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। सुध गोस्वामी कहते हैं पशुवत पाश बंधम, जैसे किसी पशु को रस्सी से बांध दिया जाता है वैसे अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांध दिया और अपनी पत्नी द्रौपदी के चरणों में सौंप दिया। द्रौपदी ने अपने पुत्र के हत्यारे अश्वत्थामा को बंधे हुए जब देखा तब द्रौपदी के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई और द्रौपदी ने अपने पति अर्जुन को कहा, पतिदेव आप इस अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा यह तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा फिर भी आप इसे छोड़ दीजिए। भक्त द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता है। कृष्ण द्रौपदी से बहुत प्रेम करते हैं और इस प्रेम का एक कारण यह भी है कि द्रौपदी के अंदर यह बहुत बड़ा गुण था। भक्तों किसी मनुष्य में सबसे बड़ा गुण यदि कोई है तो वह है अपराधी व्यक्ति को क्षमा कर देना। क्षमा पड़न को चाहिए छोटन को अपराध। क्या विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। क्षमा करने वाला बड़ा माना जाता है। 5 साल का बालक 50 वर्ष के बूढ़े को यदि क्षमा कर दे तो 5 वर्ष का बालक उस 50 वर्ष के बूढ़े से महान है, बड़ा है। क्षमा कर दिया, क्षमा करना यह बहुत बड़ा गुण है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आज द्रौपदी अश्वत्थामा को क्षमा कर रही है। अर्जुन ने कहा द्रौपदी ये तलवार लो और इसका धड़ से मस्तक अलग कर दो। द्रौपदी ने कहा नहीं मैं नहीं मारूंगी क्योंकि ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है पतिदेव और गुरु की मृत्यु के बाद उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि होता है। आत्मा जायते पुत्र, ये अपने पिता का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये। और यदि मैं इसे मार डालूंगी तो इनकी माता को बड़ा कष्ट होगा। एक पुत्र के मरने का कितना दुख होता है ये मां जानती है, ये मैं जानती हूं।
मैं किसी को कष्ट देना नहीं चाहती, पतिदेव इसे छोड़ दीजिए। द्रौपदी कहती इसे छोड़ दो, अर्जुन कहते इसे मार डालो, नकुल सहदेव युधिष्ठिर आए कहने लगे छोड़ दो, तब तक तो भीम आए बोले इसे मार डालो। पांडवों में आपस में ही दो पक्ष खड़े हो गए, एक पक्ष कहने लगा इसे छोड़ दो, दूसरा पक्ष कहने लगा इसे मार डालो। और पांडवों के बीच में झगड़ा होने लगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा बस तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो। कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं तुम्हें एक नीति सुना रहा हूं, उस नीति के अनुसार तुम काम करो। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधो न हन्तव्य आतताई वधारहण मय्येव वयमामनाथम परिपायनुशासनम। अर्जुन ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और आतताई, और जो आतताई है जो बालकों को मारता है स्त्रियों को मारता है उसे तुरंत मार देना चाहिए। तुम्हारे सामने जो अश्वत्थामा खड़ा है वो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। अर्जुन तो बिल्कुल धर्म संकट में फंस गए, लेकिन भगवान अपने भक्तों को शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं। उस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारा नहीं। अर्जुन जानते थे किसी महान व्यक्ति का अपमान ही उनके मृत्यु के समान होता है, इसलिए अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के बाल को काट दिया, उसे कुरूप कर दिया, और ब्रह्म तेज के कारण मस्तक पर जो रोचक मणि था उस मणि को निकाल दिया और उसे कुरूप करके अश्वत्थामा को लौटा दिया। अश्वत्थामा लौट गया, और यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के द्वारा 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए, और जितने भी स्वजनों का वध हुआ था उन सारे स्वजनों को गंगा तट पे ले जाकर अपने अपने स्वजनों का पितरों का तर्पण कराया। और ये सब कुछ हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए रथ पर सवार हैं, और सब लोग कृष्ण को विदा दे रहे हैं। तो भक्तों कृष्ण को रथ पर सवार होने दीजिए, यहीं पर आज की कथा का विराम करते हैं, क्योंकि कल इसी रथ पर खड़े खड़े महारानी कुंती भगवान कृष्ण को स्तुति करेगी। कल हमारी भागवत कथा में कुंती स्तुति और भीष्म स्तुति और साथ ही साथ सुखदेव गोस्वामी का आगमन होगा, इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है आप सब लोग समय से आइए, श्रीमद् भागवत कथा को सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। आप सभी भक्त 3-3.5 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं और धैर्य से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी भक्तों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी से निवेदन करता हूँ कि अनाउंसमेंट के दौरान भागवत कथा का जो समय है वो समय बताएं, और कल से उस समय के अनुसार हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।